तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय बकेट लिस्ट। तो गौरव इज देयर। तो फाइनली अभी मैं ब्लू लॉक सीजन 2 का एपिसोड 2 देख के आया हूँ और लिटरली भाई देख के भाई गूज बम्स आ गए भाई। क्या एनिमेशन है भाई, एनिमेशन है भाई लिटरली। तो सो लिटरली अभी इसका सेकेंड एपिसोड ही आया है, तो देख सकते हो भाई इन लोगों ने एनिमेशन कितना अच्छा पहले से बहुत बेहतर कर दिया है भाई। तो लिटरली तो देखते हैं अब Under-20 वर्सेस ब्लू लॉक का जो मैच होगा, तो कितना देखते किस यानी किस लेवल पे ये लेके जाते हैं। तो सो आई एम सो एक्साइटेड, देखते हैं ये कब आएगा। तो इसके आगे वाले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि इसागी टीम ए को ज्वाइन करता है, जिसे लिटरली वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो Under-20 इसके साथ जो मैच होने वाला है वो उसके लिए वर्थ इट है। तो लिटरली वो रीन और सीडो के साथ जाता है, जिस और ये इसागी के लिए आसान तो होगा नहीं भाई, क्योंकि उसको अपना स्पॉट अर्न करने के लिए तो चलिए उसे ईगो को भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अब एपिसोड 2 के बारे में बात करते हैं। तो इस सेकेंड एपिसोड का टाइटल है द निंजा एंड द असैसिन। तो इस एपिसोड में इसागी, रिन और सीडो थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट रैंक वाले से कम्पीट कर रहे होते हैं। तो लिटरली देखो इन लोग का मैच कैसा होता है। और इसी एपिसोड में इसागी कुछ अपने न्यू टीममेट से भी मिलता है। तो मैच स्टार्ट होता है टीम ए और टीम बी के बीच में, जहां लिटरली हमें पहला गोल देखने को मिलता है टीम ए की तरफ से, जहां सीडो एक अपना स्किल दिखा के भाई गोल दिख करता है भाई लिटरली। और ये एनिमेशन तुम देख के सकते हो लिटरली कितना खतरनाक था भाई। और हमें इसी से पता चलता है कि सीडो ने कैसे कुनिगामी को एलिमिनेट किया था यार। तो लिटरली आप लोग समझ सकते हो कि सीडो किस लेवल का प्लेयर है। इसी तरह उसे सेकेंड रैंक नहीं मिला है टॉप 6 में। तो लिटरली मैं ये देख के सच में इसमें सीडो का फैन हो गया भाई। तो देखते हैं और लिटरली भाई साहब फिर इसके बाद आता है टॉप 3rd प्लेयर करासू, जो लिटरली इसागी को टारगेट कर रहा होता है उसे ऑन ए वीक पॉइंट पर। वो कहता है कि तुम एक अबव एवरेज प्लेयर हो अकॉर्डिंग टू टीममेट, अगर तुम अच्छे टीममेट के साथ खेलते हो तो लिटरली तो तुम एवरेज, पर अभी तुम अबव एवरेज हो। तो लिटरली इसी वो बताया कि तुम सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट हो अभी इस टीम ए के अगेंस्ट, टीम ए के टीम पे, तो टीम ए के अगेंस्ट के टीम पे। तो इसी को वो मौका, तो इसी को वो एडवांटेज लेके करासू एक गोल मारता है लिटरली, जो लिटरली देख के सब शॉक हो जाते हैं। क्योंकि उसे भी वो भी अपना दिखा देता है कि वो भी टॉप 3rd प्लेयर से लोग क्यों बोलते हैं। तो लिटरली तो देख फिर उसके तो देखते देखते टीम बी का 2 गोल हो जाते हैं और टीम ए का 1। और लिटरली ये देखते देखते फिर रिन अपनी और तो रिन सबको दिखाते कि वो सबको प्रूव करता है कि वो नंबर 1 क्यों हुआ भाई। लिटरली तुम देखो रिन का खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट गोल मारता है, जिसे देख कर लिटरली भाई गूज़बम्स आ जाते हैं। तो चलो उसके बाद फिर चिगरी भी अपना वर्थ प्रूफ करता है कि वो शायद अपना भी वर्थ प्रूफ करता है टॉप 3rd और 4th प्लेयर के बीच, जो उसे लिटरली अपने तो 3rd प्लेयर को उसे चांस देते हैं गोल करने के लिए। और लिटरली ये देख के लिटरली उसके गोल हो भी जाता है लिटरली। तो चिगरी अपना वर्थ प्रूफ, चिगरी का जो एनिमेशन दिखाया गया वो जो स्पीड दौड़ता है लिटरली, जो हमें चिगरी वैसे ईसाई जो मैच दिखा भाई लिटरली खतरनाक। तो देखने में मज़ा आता है ये सीन। और फिर चिगरी भी अपना वर्थ प्रूफ करता है सबके सामने लिटरली, सबके सब लगे हुए हैं। और उसके बाद जैसे जैसे देखते हैं कि टीम बी का 4 गोल हो जाते हैं भाई, और देखते देखते टीम ए का 2। और लिटरली हमें इसका कारण होता है कि रिन और सीडो का ईगो क्लैश होता है दोनों में, तो दोनों में क्लैश। और इसी तरह इसागी फाइन, अगर इसागी को अपना वर्थ प्रूफ करना है तो लिटरली उसने कुछ आइडिया निकाला।
मतलब वो चीज़ का एडवांटेज यूज़ करेगा, हमें नेक्स्ट एडवांटेज यूज़ करेगा जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो आए देखते हैं वो क्या प्रूव करता है, कैसा करता है, जो भी आएगा लिटरली देखने में बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आगे जाके ये जो हमें ब्लू लॉक का जो सेकंड सीज आया लिटरली, ये एनिमेशन अगर लिटरली हमें अगर अंडर 20 वर्सेज जो ब्लू लॉक का जो मैच होने वाला है वहाँ देखने को मिले लिटरली, भाई साहब सच में इंटरनेट ब्रेक होने वाला है भाई। सोच नहीं सकते हो किस लेवल का मैच है, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी है पर मेरे सारे दोस्त जो है वो पढ़ चुके हैं, बोल रहे कि ये किस लेवल का मैच होने वाला है लिटरली। अगर ऐसे ही एनिमेशन हमें दिखाया जाए तो लिटरली भाई इंटरनेट ब्रेक होगा ही। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस मैच। और जो भी एक्साइटेड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है लिटरली, देखते हैं क्या होता है। उन लोग का 4 स्कोर हो चुका है और टीम ए का 2, और लिटरली अभी ईसाई के पास यही एक लास्ट चांस है, देखो चांस है प्रूफ करने का, क्योंकि ईसाई के पास एक ही चांस है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो आई एम लिटरली सो एक्साइटेड फॉर दिस ब्लू लॉक। तो देखते हैं भाई साहब, तो चलो नेक्स्ट, तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। गो